भक्तजन, डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। भक्तजन, आज मैं आपको भारत के 10 सबसे चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाला हूं और उनकी क्या विशेषता है ये भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारत में यूं तो अनेक मंदिर हैं जो देश के हर शहर एवं हर गाँव में मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मंदिर अत्यंत चमत्कारी होने के साथ साथ ही रहस्यमय भी है। ये चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर भी एक दो या नहीं बल्कि 50 की संख्या में भी नहीं बल्कि हजारों की संख्या में है। लेकिन आज हम आपको केवल 10 प्रमुख चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। ये 10 मंदिर अपनी खूबसूरती और चमत्कारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसके कारण इन मंदिरों को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भारत के इतिहास में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। आइए जानते हैं इन 10 मंदिर की खासियत के बारे में। नंबर 1, तिरुपति बालाजी। भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान बालाजी ने धन के देवता कुबेर से अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी रकम उधार ली। इस कर्ज को चुकाने के लिए श्रद्धालु इस मंदिर में धन, सोना आदि दान करते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर दुनिया भर के सबसे अमीर मंदिरों में माना जाता है। नंबर 2, कामाख्या मंदिर। असम में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी पूरे साल में 5 दिनों के लिए रज स्वला भी होती है। इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी तक लाल हो जाता है। नंबर 3, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पसंदीदा स्थान में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने और गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4, केदारनाथ मंदिर। यह शिव मंदिर देश के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि पांडव भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए इस स्थान पर आए थे। वहीं इसे आज भी जागृत अवस्था में ही माना जाता है। नंबर 5, मीनाक्षी अम्मन मंदिर। मीनाक्षी अम्मन मंदिर माता पार्वती को समर्पित देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अपनी वास्तु कला के लिए विश्व विख्यात है। यह मंदिर देश के बाकी मंदिरों से काफी अलग है, क्योंकि इस मंदिर में शिव और पार्वती दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने पार्वती मतलब मीनाक्षी से शादी करने के लिए मदुरई का दौरा किया था। नंबर 6, पुरी जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। पुरी को भगवान विष्णु और उनके परिवार के रूप में माना जाता है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है और इसकी वार्षिक रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है। नंबर 7, वैष्णो देवी मंदिर। हिंदू धर्म के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर शक्ति की देवी को समर्पित पवित्र मंदिरों में से एक है। वैष्णो देवी इस गुफा के रूप में प्रसिद्ध है। इस देवी दुर्गा ने 9 दिन तक दुष्ट राक्षस से बचने के लिए यहाँ शरण ली थी। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। नंबर 8, सिद्धि विनायक मंदिर। मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित बेहद लोकप्रिय मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में नंगे पांव चलने से आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। नंबर 9, सोमनाथ मंदिर। गुजरात का यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि यह मंदिर कई बार तोड़ा गया है और कई बार पुनर्निर्मित भी किया गया है। नंबर 10, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला में भगवान
अयप्पन का मंदिर है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान अयप्पा भगवान शिव और पार्वती और विष्णु जी के मोहिनी रूप का मिलन है। मासिक धर्म वाली महिलाओं को इस मंदिर में जाने की मनाही है। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय दोस्तों।